गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट ओपन हो चुका है, ओपन होते ही एक बड़ा सा कैंडल मार्केट ने बना दिया और अब थोड़ा बहुत रिजेक्शन देकर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पुट साइड का ट्रेड लेना चाहिए। निफ्टी भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जो डायरेक्शन मार्केट ने ले रखा है वो मेरे अकॉर्डिंग इतना सही नहीं बैठ रहा है। जिस प्रकार का मार्केट में गैप डाउन देखने मिला, गैप डाउन के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो मैं तो यहाँ पे अपना पुट साइड में रिस्क लेने वाला हूँ। 48,900 का हम यहाँ पे पुट से ऐड शुरू करेंगे। आज देखिए, वैसे तो दोनों इंडेक्स में कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम है, तो ऐसा कोई इंडेक्स है नहीं कि इसमें रिस्क कम है, इसमें दोनों में बराबर का है, लेकिन काम यहाँ पे पुट साइड का ही किया जा सकता है। कंटिन्यू बाइंग में बात नहीं बनेगी। पहली बात तो देखिए, गैप डाउन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हुआ है और उसके बाद जो रिकवरी हुआ है वो फास्ट रिकवरी हुआ है। तो जब भी इस प्रकार के फास्ट रिकवरी होते हैं उसमें मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम ना करके घूमने की ज़्यादा कोशिश करेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए। फर्दर हम समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर, चार्ट के अंदर हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। गैप डाउन ओपन हुआ, अच्छा गैप डाउन था, यहाँ पे जो पुट बाय करके बैठे थे अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, नज़र डेफिनेटली आया होगा, बैठे तो नहीं रहने दिया उनको मार्केट ने। अब जैसे ही एक बड़ा सा कैंडल मार्केट ने बना दिया, तो इस कैंडल से हम क्या समझे? पहली बात तो देखिए, जब मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है अचानक से सेलर आने की कोशिश करें, तो मार्केट को पता लग जाता है। अब कैसे पता लगता है वो हमें समझाने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे सेलिंग के ऑर्डर मार्केट के अंदर आना शुरू हो चुके हैं, तो मार्केट क्या कर देता है, घूमना शुरू कर देता है। मार्केट घूमा, काफी अच्छे घूमा, यहाँ पे जो पुट वगैरह बाय करके बैठे थे ओवरनाइट मार्केट को देख रहे थे कि बड़ा गैप डाउन नजर आ रहा है, वो काफी खुश थे। लेकिन जैसे ही मार्केट ने रिकवरी वगैरह करना शुरू किया, उनका प्रॉफिट काफी ज्यादा कम किया होगा, तो उन्होंने डेफिनेटली अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करके वो भाग गए होंगे, क्योंकि कैंडल काफी ज्यादा शार्प हमें नजर आ रहा है। उसके बाद देखिए, मार्केट ने अपना डबल टॉप जैसा कुछ बना के मार्केट नीचे आने की कोशिश करा है। अब हो सकता है मार्केट कंटिन्यू और ऊपर निकल जाए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं करना चाहिए मार्केट को, क्योंकि अगर ये मार्केट क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस कर देता है तो मुझे नहीं पता कि आप कितने लोग बाय करना चाहते हो, कितने लोग सेल करना चाहते हो, लेकिन अगर ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाएगा या फिर 49,000 क्रॉस करेगा तो कोई भी यहाँ पे सेलिंग करने के लिए नहीं आएगा। ये हमें समझ में क्लियर आ रहा है कि कोई भी सेल नहीं करना चाहेगा, उन्हें भी पता लग जाए कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ फिर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जा रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे केवल बायर आने वाले हैं। और जहाँ पे एक तरफ का साइकोलॉजी हो कि दूसरे ट्रेडर काम ही ना करें, दूसरे ट्रेडर काम करने में इच्छुक ही ना हो, तो वहाँ पे मार्केट कभी भी काम नहीं करता। ये मेरा सिंपल थ्योरी होता है जहाँ पे मैं काम करता रहता हूँ। तो अगर ये मार्केट को बढ़ना होता तो या तो गैप ओपन होता या फिर फ्लैट वगैरह ओपन होकर कुछ अलग करके मार्केट बढ़ सकता था, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होकर क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस करके 49,000 को क्रॉस करके ऐसा मार्केट नहीं कर पाएगा। ये अपना पहला साइकोलॉजिकल पॉइंट है। दूसरी बात करें, यहाँ पे देखिए, जो पुट वगैरह बाय करके गए होंगे, मार्केट ने अच्छा उनको निकाल दिया, प्रॉफिट वगैरह भी उनका बुकिंग करवा दिया, तो उनका तो काम हो चुका है, तो यहाँ पे सेलर वगैरह तो अवेलेबल है नहीं। अब हमारे पास रहते हैं बायर। बायर कौन कौन से रहते हैं? पहली बात देखिए, यहाँ पे बाइंग हुआ है, यहाँ पे बाइंग हुआ है और नीचे से कंटिन्यू बाइंग चल ही रहा है मार्केट के अंदर, तो जब गैप डाउन ओपन हुआ थोड़ा बहुत खतरा तो नजर आया होगा, डेफिनेटली कुछ किसी ना किसी ने अपना पोर्शन वगैरह कट भी कर लिया होगा, लेकिन जैसे ही रिकवरी आया होगा और अगर किसी ने पोर्शन वगैरह कट नहीं किया होगा वो अभी भी मार्केट के अंदर बैठा है, तो बायर के एसएल यहाँ पे जो पड़े हैं वो अभी भी मार्केट के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। तो बायर अवेलेबल है, सेलर अवेलेबल है नहीं। अगर मार्केट कंटिन्यू बढ़ता है तो केवल बायर आने वाले हैं, सेलर आएंगे नहीं। इन दोनों तीनों बातों को देखते हुए मैंने यहाँ पे पुट साइड में रिस्क लिया है। रिस्क लेते समय मैंने ये जरूर ध्यान रखा है कि मार्केट में देखिए, गलत हम किसी भी जगह हो सकते हैं, कितना भी गलत हो सकते हैं, तो मैंने ये देखा कि जब ये 48,800 के नीचे ट्रेड करेगा तब जाकर मेरा एंट्री होना शुरू होगा, जब तक ये ऊपर है मैं मार्केट को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये जो जोन है ये ट्रेडिंग के लिए ठीक नहीं है। इसमें कोई ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड मार्केट के अंदर लिया जा सकता है। गैपडाउन में अगर ओपनिंग तो हो गया अच्छी बात है, लेकिन ओपन होते ही दोबारा से इसी रेंज के अंदर आ गया, तो ये कहीं ना कहीं खराब था हमारे लिए। तो जैसे ही इस लेवल का अपना ब्रेकडाउन हुआ है, 48,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया है, मैंने साइकोलॉजिकल पॉइंट देखा, मार्केट का स्ट्रक्चर देखा, फिर लेवल अगर मार्केट तोड़ रहा है तो वहां पे मैंने एंट्री लेते हुए काम किया है। अब ये कितना सही जाएगा वो तो टाइम के साथ हमें पता लग जाएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये 100% सही जाना चाहिए। निफ्टी की बात करें तो ये भी देखिए, इसमें भी रिजेक्शन वगैरह कन्वर्ट हो गया है, तो जो कि वो भी हमारे लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए क्लियर है, क्लोजिंग प्राइस क्रॉस करेगा, बायर आने वाले हैं,
अगर ये हाइयर पॉइंट को क्रॉस करेगा बायर आने वाले हैं, तो मार्केट में एक तरफ के ट्रेडर कभी काम नहीं करते। और यहाँ पे भी देखिए बायर वगैरह अभी बैठे होंगे जिन्होंने यहाँ पे बाइंग वगैरह कर रखा है, वो वेट करेंगे बाई 640 का। अब आपको ये लगता है सर हम तो कट करके भाग जाते हैं ऐसी सिचुएशन, अगर आपका बड़ा फंड है और आप अच्छे से मैनेज करते हो तो आप डायरेक्टली नहीं भागते मार्केट में, आप रुकते हो, आप एडजस्टमेंट करते हो, फिर जाकर जब लगे कि हाँ ब्रेकडाउन वगैरह हो रहा है तब जाकर अपना पोजीशन वगैरह कट करते हो। तो मार्केट के अंदर बड़ा सेलिंग हो रहा है, काफ़ी बड़ा कैंडल बन गया और प्रॉफिट हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। देखिए लेवल को तो मुझे पकड़ना ही था मार्केट के अंदर, विदाउट लेवल अगर हम काम करते तो मे भी गलत हो जाते। तो जहाँ पे लगे कि आगे कुआ है पीछे खाई है, तो जहाँ पे लगे कि हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें पुल मिल सकता है तो वहाँ पे ट्राई करना चाहिए। तो जब एक लेवल टूटा तब जाकर मैंने काम किया, ऐसे नहीं कि गैप डाउन ओपन हो गया डायरेक्टली मार्केट के अंदर घुस जाओ, ऊपर जा रहा है कहीं पर भी ट्रेड मार्केट के अंदर कर लो। साइकोलॉजिकल पॉइंट पहले भी ऐसा ही था, बाद में भी ऐसा था, लेकिन एंट्री पॉइंट हमें डिसाइड करना था। तो एंट्री पॉइंट मैंने डिसाइड कैसे किया, एक लेवल के आसपास, ठीक है कि क्लोजिंग प्राइस क्रॉस करता है तो ऐसा करना नहीं चाहिए, अगर लेवल टूटा तो एक मोमेंटम अगर आना है तो यहां से मिल जाएगा, अदरवाइज अगर नहीं आना है तो मे भी हम गलत हो जाएं। तो जहां पे लगे कि गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वहां पे रिस्क मत लो, या फिर बहुत छोटी क्वांटिटी में लो वो बेस्ट रहता है, या फिर अगर आपको रिस्क लेना है तो ऐसी जगह पे लो जहां पे लगे कि हाँ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर, मार्केट यहां से काम करते हुए नीचे जा सकता है। तो वो हमारे लिए लेवल था 48-800, जैसे इसके नीचे गया मैंने अपना एंट्री पॉइंट डिसाइड कर लिया। अब साइकोलॉजिकल पॉइंट तो यहां पर भी ऐसा ही था, यहां पर भी ऐसा ही था, लेकिन एंट्री कब डिसाइड किया कि मार्केट हाँ हमारे अकॉर्डिंग जा सकता है, जब मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा। अब दोबारा सी रिकवरी में अगर मार्केट घूम जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी हमें अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम वेट करेंगे और मे भी अच्छा प्रॉफिट हम कैप्चर कर पाए। ये भी अच्छा प्रॉफिट है लेकिन थोड़ा बहुत और कोशिश करते हैं, मे भी हमें कुछ देखने को मिल जाए। अगर घूमता है तो उसको भी हमें हैंडल करना है, नहीं घूमता है बड़ा टारगेट करना है वो भी अपना लालच है, काम हमें करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं बताएगा कहाँ पे कब करना है कैसे करना है। दूसरा आपको ये समझा सकता है कि मार्केट में जब कुछ सिचुएशन बनती है तो उसको हैंडल कैसे करना है, लेकिन वो हैंडल आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे केवल केवल आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी अपना प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, मार्केट में बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, प्रॉफिट वगैरह को देख लेते हैं, सिचुएशन वगैरह को समझ लेते हैं, कहीं रिकवरी वगैरह होगा तो उस कैंडल को भी हमें देखना होगा, तो सब कुछ देखकर साथ में प्रॉफिट वगैरह को देखकर हमें काम करते हुए रहना है। तो वेट करेंगे अभी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी अपने लोअर पॉइंट के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, प्रॉफिट अपना अभी तो ठीक चला, इससे भी कम भी हो गया था और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र भी आ रहा था जहाँ पे हम बुकिंग भी कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। एक बार ये लोअर पॉइंट का ब्रेकडाउन हो जाए उसके बाद हमें डेफिनेटली जो मोमेंटम मिला है उसमें एग्जिट मार्केट के अंदर बनेगा। प्रीमियम के अकॉर्डिंग तो मिल गया था टारगेट, लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पेंडिंग रहता है, क्योंकि अगर ये मोमेंटम आया तो इसको क्वालिफाई करेगा। अभी भी अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बात वहीं पे अटक जाएगी कि क्लोजिंग प्राइस वो क्रॉस करता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे तो मार्केट फिर भी बायर सेलर को परेशान कर दे, लेकिन क्लोजिंग प्राइस के ऊपर 49,000 के ऊपर ऐसा नहीं कर पाएगा। तो मार्केट ऊपर जाने की साइकोलॉजी अभी भी नहीं बनी है, मार्केट को यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करना चाहिए। हाँ ब्रेकडाउन के बाद हम फर्दर लालच नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद हो सकता है साइडवेज हो जाए, क्योंकि निफ्टी के अंदर तो ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका है, थोड़ा बहुत सपोर्ट है ये भी टूट जाएगा और बैंक निफ्टी में हमें वेट करना है, जब ये टूटेगा तो डेफिनेटली अपना बुकिंग होगा। तो अभी मैं देखता रहता हूँ, जब प्रॉफिट वगैरह लगेगा कहीं बुकिंग कर लेना चाहिए चार्ट के अकॉर्डिंग प्रीमियम के अकॉर्डिंग, वहाँ पे हम निकलेंगे। अभी जैसे हमें अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है लेकिन फर्दर वेट करेंगे, जो हमने सोचा है वो होने देते हैं। तो हमें देखिए बैंक निफ्टी में डाउनसाइड का मोमेंटम है, एक बार तो लोअर पॉइंट को मार्केट ने क्रॉस किया था लेकिन फिर से अपने आप को कवरअप कर दिया। तो मुझे यही देखना था, जब ये ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो हो सकता है कभी कभी शार्प रेड कैंडल ऐसा कुछ बन जाता है, वैसा तो कुछ हुआ नहीं, तो अच्छा टारगेट हमें नजर आ रहा है ये हम बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे हम ग्रैब करने की डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि अगर मोमेंटम आएगा तो बड़ा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बनाया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वहाँ पर बैठकर हम क्या देखें, टारगेट तो वैसे में अच्छा नजर आ रहा है। दूसरी बात करते कि हमने जो पोजीशन बनाया था हमने यही देखा था कि साइकोलॉजिकल मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो पुट बाय करके गए थे या तो उन्होंने प्रॉफिट वगैरह बुकिंग कर लिया या फिर वो एग्जिट वगैरह लेके मार्केट के अंदर भाग गए होंगे। अब अगर मार्केट कंटिन्यू काम करता है ऊपर जाते हुए तो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाएगा या फिर थोड़ा बहुत और ऊपर चलेगा, 49,000 क्रॉस करेगा, उसके बाद सेलर डेफिनेटली मार्केट के अंदर नहीं आने वाले, केवल बायर ही काम करें। तो जहाँ एक तरफ के ट्रेडर काम करना शुरू कर दे वहाँ पे मार्केट कभी भी काम करने के लिए नहीं जाता। यहाँ पे सेलर को मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका था, सेलर के एसल वगैरह यहाँ पे अवेलेबल थे नहीं। उसके बाद ये इस प्रकार के मोमेंटम को देखकर जो बाइंग कर रहे थे या फिर जो
ऑलरेडी मार्केट के अंदर बाइंग करके बैठे हैं उनको मार्केट में टारगेट करने के लिए हमने सेलिंग साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बनाया था और एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला। एंट्री हमने डिसाइड किया कि मार्केट हो सकता है हम गलत हो जाए, मार्केट में कहीं पे भी गलत हो सकते हैं, तो हमने यही देखा था कि 48,800 के नीचे आने देते हैं उसके बाद ही हम मार्केट के अंदर ट्रेड बनाएंगे और ट्रेड बनाते में अच्छा बेनिफिट नजर आया। फिर हमने वेट किया कि ब्रेकडाउन हो जाए, ब्रेकडाउन तो मार्केट कर रहा है लेकिन फिर से रिकवरी में हो जाता है तो मे बी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करें उसके बाद हमें मोमेंटम देखने मिलेगा। ओवरऑल अगर हम आगे बात करें तो मार्केट सेलिंग में जा सकता है, अच्छा सेलिंग कर सकता है जब तक ये 48,800 को दोबारा से ऊपर की तरफ क्रॉस ना करे। अगर ये दोबारा से घूम जाता है तो फिर ये आने वाले दिनों में एक रेंज की दोबारा एक रेंज बनाकर काम करेगा, अदरवाइज हमें एक थोड़ा बहुत नेगेटिव मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। निफ्टी के अंदर भी ऐसा हुआ, क्विकली मोमेंटम हुआ तो ज्यादा टाइम हमें लगा नहीं, अच्छा प्रॉफिट बन गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।